राम जी, टाइम जमा करीब आन लग रहा है और ज्यो ज्यो टाइम करीब आओ है, बहुत सुनहरा होगा। जुबैर अली ताबीस का एक शायर ध्यान में आओ है, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वाह वाह करो, ले भाई शुरू हो गया। प्रश्न है हरियाणा के किस जिले को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। देखो भाई, मिनी क्यूबा, क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है मिनी क्यूबा, और मिनी क्यूबा जो है यो कहा जाओ है हरियाणा के भिवानी जिले को, जहां विजेंद्र सिंह जैसे बॉक्सर जो है वो पैदा हुए। और क्यूबा नाम का देश जो है, हाँ शायर पे खुश होकर पार्टी का मान सम्मान करते हैं 10 रुपए से, चालने बंद हो रहे 10 का सिक्का। मिनी क्यूबा भिवानी को बोला जाओ है, बॉक्सिंग का हब है भिवानी। क्यूबा जो देश है खासतौर पर गन्ने के लिए जाना जाओ है, और क्यूबा जाना जाता है फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा का राष्ट्रपति था। अमेरिका के 6 राष्ट्रपतियों ने बंदे को मारने के लिए फील्डिंग लगाई थी, लेकिन फिदेल कास्ट्रो कुछ नहीं कर सका। अमेरिका के पास में छोटा सा देश, अमेरिका को बिल्कुल धमकी देता रहता है, आंख दिखाता रहता है। एक बार मेरे को याद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या था, कोई मीटिंग होनी थी सारे देशों की, लेकिन फिदेल कास्ट्रो जो है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के डर से या अमेरिका के डर से किसी ने भी होटल में कौन बैठने दिया, कमरा कौन दिया होटल में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सलाह दी, बोला कास्ट्रो एक काम कर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रांगण है उसे में डेरा ले ले, उसे में गुदड़े ले के सारे ले दिली, उधर तंबू लेके उड़े बैठ गया। आखिर में अमेरिका की जब फजीहत होने लगी तब एक कमरा, एक 3-स्टार होटल ने फिदेल कास्ट्रो को कमरा दिया था, और बाद में फिदेल कास्ट्रो और भारत में आकर दे इंदिरा गांधी को अपनी बेटी मान्या कर दे, और धीरे धीरे भारत में गन्ने की बहुत सारी किस्में फिदेल कास्ट्रो ने देने का काम किया था। वो फिदेल कास्ट्रो मिनी क्यूबा किसने बोला जाओ है, भिवानी ने बोला जाओ है। देखो दूसरा, भिवानी ने जो मंदिर जो है, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या बोला जाओ है, बहुत बार बता लिया भाई, फिर भी कमेंट करे जाओ है। छोटी काशी मंदिरों का कारण बोला, हाँ भाई जिन्होंने पूछा भाई नवग्रह कुंडों का कारण, नवग्रह कुंड जो है, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसने बोला जाओ, फिर बोला जाओ है कैथल में। अरे सीधा डायरेक्ट देगा भाई, छोटी काशी किसने कहा जाओ है, तो ऑप्शन में चाहे भिवानी पाओगा चाहे कैथड़े पाओगा, एक पाओगा, तो टेंशन लेने की आठ को नहीं। बॉक्सिंग का गढ़ भी किसने बोला, भिवानी जो है, भिवानी जो है बॉक्सिंग का गढ़ बोला जाओ है भिवानी को। मिनी क्यूबा, मंदिरों के कारण छोटी काशी, और बॉक्सिंग का गढ़ जो है किसने बोला जाओ है भिवानी। और एक मेला भी लागा भिवानी में, बाबा मुंगीपा का मेला कड़ा लागा है भिवानी में लागा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। देखो जो छड़ी जो नृत्य जो है वो है गोगा नवमी से संबंधित, गोगा नवमी से संबंधित है छड़ी नृत्य है। जो छड़ी नृत्य पहले भी जिक्र किया, नृत्य की वीडियो देख लियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बहुत गजब की वीडियो है, पसंद आओगे वह देख लियो। मैं गुग्गा पैरों को नहीं बेल मारा कर दी, पाछे गुग्गा गया है तो ढूंढू ढूंढ कर बजा कर हमारे प्रजापत समाज के लोग जो है, गजब का दृश्य वो है, वो जो गुग्गा कैडिया कर कह लो वो उसे ना छड़ी नृत्य बोल रहे हैं। और HSSC घुमा के प्रश्न देगा, एक लंबा सा बांस है उसको चार और कपड़ा लपेट करके ऊंचा सा, उसको क्या कहते हैं, गुग्गा वो है। इसलिए जो गोगा नवमी जो है उसके ऊपर कौन सा नृत्य किया जाओ है, छड़ी नृत्य किया जाओ है। एक और प्रश्न आओ, सांपों की पूजा कौन से नृत्य पर करी जाओ, तो सांपों की पूजा यानी सर्प की पूजा भी, सर्प की पूजा गोगा नवमी जो है सर्प की पूजा करी जाओ है, या फिर छड़ी नृत्य जो है इसे में किया जाओ है। हाँ एक प्रश्न नो पूछ ले, हरियाणा में छड़ी का मेला, छड़ियों का मेला, यो नारद प्रश्न आ गया। हरियाणा में जो छड़ी का मेला वो लगा है करनाल के अमूरपुर में, अमूरपुर जो है, अमूरपुर करनाल जिले में पड़ा है, उरे के है अमूरपुर में, हरियाणा में छड़ियों का मेला लगा है। भाई देखो के था प्रश्न अपना, छड़ी का नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है, गोगा नवमी था, सांप की पूजा करी जाओ, छड़ियों का मेला कड़ा लगा है अमूरपुर करनाल में, के लगा है छड़ियों का मेला लगा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को श्री पद जनपद बोलते हैं, हरियाणा के किस जिले को श्री
पद जनपद कहा जाता है। तो हरियाणा का जो श्रीकंठ जनपद जो है वो बोला जाओ है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद बोला जाओ है। यह जो नाम दिया था नागवंश के राजा ने श्रीकंठ जनपद नाम दिया था, किसने दिया था, नागवंश का जो राजा है उसने कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा था, जनपद श्रीकंठ जनपद किसने कहा था, नाग राजा ने। इसके बाद अजब हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कौन से ग्रंथ में कहा गया है, तो हरियाणा को श्रीकंठ जनपद जो है एक बहुत बड़ा लेखक हुआ इस देश का बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने किताब लिखी थी कादंबरी, और यह कादंबरी जो है कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है। लेकिन जो श्रीकंठ जनपद कहा बाण भट्ट ने वो कहा है अरसचरित के अंदर, जो हरसचरित जो है इसमें बाण भट्ट ने क्या है कुरुक्षेत्र अपना हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहने का काम किया है बाण भट्ट ने, कौन सी किताब में, हरसचरित नामक किताब में। बाण भट्ट हरेशवर्धन का दरबारी कवि था जो हरियाणा के थानेश्वर में शासन किया करता, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है भाई, किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल डाम का जनक कहा जाता है, बाखड़ा नांगल डाम जो है उसका जनक कहा जाता है सर छोटू राम को, सर छोटू राम जो है इनको बाखड़ा नांगल डैम का जनक बोला जाओ है, क्योंकि इन बिलासपुर के राजा के साथ में संधि करवाने में बड़ी अहम भूमिका थी, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है इनको। एक वीडियो है नीचे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, वह भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वह उसमें देख लियो। रहबर ए आजम भी इनको बोला जाओ है, और किसानों का मसीहा, रहबर ए आजम भी इन्हीं को बोला जाता है, और तीसरा है किसानों का मसीहा, किसको बोला जाओ है, किसानों का मसीहा भी चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। सांपड़ा जो है उसको जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है, आगरा से पढ़ाई करी थी, तो वो सारा जिक्र आपने एक वीडियो में कर रखा है, उस वीडियो में आप देख लियो, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, यो था तो नेशनल जीके का, चलो इसमें दे दिया। देखो भाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू हुआ था 2013 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, 2013 में लागू हुआ था, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था छत्तीसगढ़। यानी जो राशन डिपो पास 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल मिला है ना, जो यो जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2003 के तहत मिला है, और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, रमन सिंह उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत का कितने प्रतिशत है, तो 2011 की जो जनसंख्या जो है जनगणना के आंकड़े जब आसान भाषा में याद करने तो भी डिस्क्रिप्शन में देख लियो, सारी वीडियो जो बोल ली सारी पा जाओगे आप। देखो तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 2.09% जो है पूरे देश की जनसंख्या का, यानी देश की जनसंख्या का हरियाणा में कितना भाग बसा है, 2.09% है। इसमें 2% दे रखे उत्तर में, तो सही वो है एग्जैक्ट कितना है, 2.09% जो है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी, 2,53,51,462, 2,53,51,462, यो भी जनसंख्या की वीडियो में सारा सामान दे रखा है। और पूरे भारत का जो जनगणना में स्थान जो है हरियाणा का वो है 18वां स्थान है जनसंख्या में, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ा, हाँ सबसे घनी जनसंख्या कड़ा है फरीदाबाद में, सबसे कम कड़ा है पंचकूला में, सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद, कम कड़ा है पंचकूला, वीडियो देख लो जनसंख्या के नीचे मिल जाओगे अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है, यो निकाला पत्रिका भाई हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद नामक पत्रिका निकालने का काम कर रहा है सूचना लोक संपर्क विभाग जो है। इसके अलावा हरियाणा की पहली पत्रिका पूछो तो वो है शोध पत्रिका, हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी, हरियाणा की पहली पत्रिका है शोध पत्रिका। और हरियाणा का जो पहला उपन्यास जो है बहुत बार बहुत करड़ा प्रश्न है, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है, झाड़ू फ्री, हरियाणवी भाषा में लिखा गया था झाड़ू फ्री, और लिखने का काम किसने किया था, राजा राम शास्त्री जो है, राजा राम शास्त्री ने हरियाणा का पहला उपन्यास लिखा था हरियाणवी भाषा में झाड़ू फ्री। हरियाणा संवाद पत्रिका है, पहली पत्रिका हरियाणा की शोध पत्रिका है, हरियाणा का पहला हरियाणवी उपन्यास कौन सा, झाड़ू फ्री है, किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने पहला उपन्यास जो है वो लिखने का काम किया था हरियाणवी भाषा में। अगला प्रश्न है भाई हरियाणा में किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा,
जो 2800 मेगावाट का जो है वो लगाया जाओगा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। बहुत बढ़िया गांव है, रामिर हमारा मित्र, बहुत बढ़िया गांव है गोरखपुर और उरक इलाका है। 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र लागा नाभिकीय ऊर्जा के अंदर, परमाणु संयंत्र 2800 मेगावाट का। एक बार ऑप्शन में कुमारिया भी आ गया था, जो गोरखपुर नहीं मिला तो आपने कुमारिया, कुमारिया जो गोरखपुर नहीं मिला तो कुमारिया संयंत्र, क्योंकि इसका लगता है गांव है कुमारिया। एक बार एचएसएससी ने कुमारिया सही माना था, 99% गोरखपुर है। गोरखपुर नहीं उत्तर मिला तो फिर क्या मिल जाएगा, कुमारिया। इसके अलावा और भी जो है एक थर्मल पावर प्लांट है 1200 मेगावाट का, हरियाणा के बहुत बड़े गांव, गांव खेदड़, 1200 मेगावाट का है थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा पानीपत के बाहुली में भी के है 1367 बाहुली, पानीपत के बाहुली में भी प्लांट है 1367 का, ठीक है। और पानीपत में ही एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है, इस बात का अपन बेरा है, खड़ा हुआ दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत जिले में है, जिसको हम क्या बोला है, बुनकरों का शहर बोला जाओ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कड़ा है, तो ये जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है हरियाणा के करनाल जिले में। इसके अलावा गेहूं जो इनका भी जो अनुसंधान केंद्र जो है, गेहूं और जो का अनुसंधान केंद्र भी कड़ा है करनाल में है। इसके अलावा मिट्टी लवणता, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र यो भी कड़ा है हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कड़ा है, यो भी करनाल के अंदर है। गेहूं निर्देशालय कड़ा है, यो भी करनाल में है। करनाल जिला अलग से बना रखा है, उसमें देख लो। देखो हरियाणा जीके की वीडियो आपने देखनी हो तो आप चैनल पर जाओगे तो प्ले लिस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, प्ले लिस्ट में देखोगे ना हरियाणा की मेरी सारी वीडियो हो, सारे की सारी उड़ता आप देख सको, ठीक है। यानी करनाल में है जंतु अनुवांशिकी ब्यूरो, गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र भी करनाल में है, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा के कौन से जिले में है, करनाल के अंदर है। अगला जो प्रश्न है भाई, हरियाणा का वह लेखक जो उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था, तो भारत पत्रिका का संपादक है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है ये उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका के संपादक थे। जो बाल मुकुंद जो है इनका संबंध रहा है हरियाणा के गुड़ियाणी गांव से, गुड़ियाणी जो है झज्जर जिले का, गुड़ियाणी से बाबू बाल मुकुंद का संबंध रहा है। इसके अलावा जब बाबू बाल मुकुंद की बात आती है तो एक कोहिनूर समाचार पत्र है, कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक भी हैं बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद जिक्र आओ है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का एक स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो हरियाणा राज्य के वो स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे वो कौन है। 1914 के अंदर हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में जन्मे चौधरी देवीलाल जो हैं, ताऊ देवीलाल जो हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे बाद में हरियाणा के, देवीलाल, हाँ वो बाद में के थे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। दो बार देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और उसके बाद उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल ठेठ देसी मानस हरियाणा का, और मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा। बहुत सारी विशेषताएं चौधरी देवीलाल के व्यक्तित्व में थी। मेरे को जहां तक याद आता है एक बार नारायणों रैली के अंदर हेलीकॉप्टर में जब बैठ के आए थे तो उसके बाद में दो चार किसान थे, बोले जी हमने कदे हेलीकॉप्टर कौन देखोड़ा, बोले नहीं हेलीकॉप्टर देखोड़ा, तो बैठो, बैठ के गल्ला हेलीकॉप्टर में बिठा के गल्ला चौधरी साहब चंडीगढ़ ले गए, और चंडीगढ़ ले जाके चार पांच दिन घुमाया, फिर दिल्ली ले गए, दिल्ली घुमा के फिर खुद के प्रपियां तक गाड़ी करके फिर उनको वापस भेजा था, बोला देख ली दिल्ली, इब अपना घर जाओ। ऐसा व्यक्तित्व जो है किसानों के मसीहा देवीलाल को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहीवाल किस पशु की किस्म है। साहीवाल जो है गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, साहीवाल बहुत जरूरी है, साहीवाल गाय की है, और हरियाणा की एक भैंस है बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी नस्ल की भैंस है, मुर्रा जो नस्ल है वो बहुत
फेमस है अगर आप बात करा तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें कौन से जिले में पाए जाओ, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें हरियाणा के सिरसा जिले में पाए जाओ। जिन्हें पूछा हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस जो है वो जींद में पाई जाओ और सबसे ज्यादा दूध जो है वो कड़ा हुआ है, दूध जींद में हो, इसलिए जींद को दूध नगरी के नाम से, मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाओ। यानी साहिवाल गायें की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, और जो सबसे ज्यादा गाय हरियाणा में सिरसा जिले में पाई जाओ है, भैंस जींद में पाई जाओ है, तो सबसे ज्यादा दूध नगरी जो है वो किसने बोला, जींद ने बोला। पर था वो कंप्लीट हो गया, किसा लग गया कमेंट जरूर करियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा काम कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद।